या क्रम के लिखल मीटर मिटल ना जाए तो वही दैट सेम इज व्हाट इज हैपनिंग विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मतलब कि जितने भी वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं वो सब तो कंप्लेन करना चाह रहे हैं, वहाँ के फीडबैक देना चाह रहे हैं, लेकिन कोई असल में फीडबैक उनका सुनने वाला है नहीं। वो कहेगा इसके पास जाओ, ये कहेगा उसके पास जाओ। और मैं आपको बताता हूँ सर कि आप नंबर वन डिफेंस इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बन पा रहे हो, आपसे दिखावा कर रहे हो। एज लाइक द सेम एवरी वन वॉन्ट्स टू गो इन हेवन बट नो वन वॉन्ट्स टू डाई, एट द सेम यू आर डूइंग, यू आर शोइंग योर सेल्फ, यू आर प्रिटेंडिंग योर सेल्फ टू बी द नंबर वन डिफेंस इंस्टीट्यूट बट यू आर नॉट एक्चुअली द नंबर वन डिफेंस इंस्टीट्यूट इन इंडिया। एंड लेट मी टेल यू व्हाई यू आर नॉट द नंबर वन डिफेंस इंस्टीट्यूट। मैं बताता हूँ सर आपको, आप सुनना, थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा भ्रम से बाहर निकल के, थोड़ा बाहरी दुनिया से जो आप अंदर में रहते हो पैक उससे थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सुनना, मेरी भी बात सुनना थोड़ा, और आप भी कमेंट करना सर, मेरे कसी की टीम भी कमेंट करना इस वीडियो पे, जो भी सही लगे आपको सही गलत आप कमेंट करना। बताता हूँ आपके यूट्यूब पे जितने भी कमेंट आते हैं आप उस सब कमेंट को, अगर वो एमकेसी के खिलाफ में है, अगर मैंने कुछ फीडबैक दिया मेजर कसी के बारे में कि हाँ वहाँ पे मैंने एक कंप्लेंट की थी मुझे नहीं सुना गया था, या वहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है, आप सबसे पहली बात सर आप ऐसे कमेंट को डिलीट क्यों करते हो? और लाइफ में वही बच्चा, वही टीम, वही कंपनी आगे बढ़ती है जो लोगों को फीडबैक लेकर उस पर काम करती है। एंड यू आर नॉट डूइंग द सेम थिंग सर, आप भले ही आगे बढ़ रहे हो मैं मानता हूँ, आई एग्री विद दैट, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू द बॉयज हु आर हेल्पिंग यू, हु आर मेकिंग यू टू इंक्रीज योर पोजीशन, जो आपकी स्थिति को, जो आपके दशा को बढ़ाने के क्रम में है, उनकी आप बात असल में नहीं सुन रहे हो। अगर ऐसा है तो जो YouTube पे जितने लाखों लाखों बच्चे, हजारों बच्चे जो कमेंट करते हैं, मेरा खुद का, मैं बता दूं आपको, मैं 5-7 वीडियो पे कमेंट किया था इनका और सारे वीडियो पे मेरी कमेंट डिलीट हो गई। और अब तो मैं अच्छा भी कमेंट करता हूँ तो वो भी बस मुझे ही दिखाई देता है, मैं अदर चैनल से मैं उसको खोल के देखता हूँ तो मुझे वो मेरा कमेंट दिखाई नहीं देता वहाँ पे, इन लोगों ने मुझे ऐसा ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। और ऐसा सारे बच्चों के साथ होता होगा जो इसके खिलाफ में कमेंट करते होंगे। आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है सर, आप चाहे यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, जितने भी आप इंस्टाग्राम ले लो, उस पर अगर आपके पास इतने जो मंत्रिमंडल में आपके जो वो क्या कहते हैं उसे सोशल मीडिया आई टी टीम के जो मेंबर हैं, वो लोग तो हर समय 24 घंटे खट 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 मारते रहते हैं कीबोर्ड पे, या देखेंगे जो भी कमेंट एमकेसी के खिलाफ में है उसको खट सीना उड़ा दो उसको, नहीं तो उसकी क्या होगी मोरल वैल्यू, दूसरे बच्चे जो वहाँ पे आने वाले हैं जो नासमझ बच्चे हैं उनके सामने उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और क्या होगा, मेजर कसी तो नंबर वन था, नंबर वन है और नंबर वन कहलाता ही रहेगा। और जो बच्चे वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं वो फिर आपको सर कोचिंग के बाद में, ट्रस्ट मी, उसके बाद चलते हैं सर आगे, बिकॉज आई हैव रिटन मेनी मोर थिंग्स सर। मैंने जितना भी वहाँ पे, मैं कुछ वहाँ पे इतना मुझे वहाँ पे प्रताड़ना सहनी पड़ी और इतना मुझे वहाँ पे आप लोगों का कष्ट सहना पड़ा कि आप लोग बस दिखावा करते हो। और इसके बाद ही मैं आपको बोलता हूँ कि अभी सौरभ सर का मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, वो आ रहे हैं बच्चे लोग से पूछ रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, और सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, पाँच उंगली है, पाँचों उंगली तो कहीं बराबर नहीं जाती भाई, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई दिक्कत होता होगा, तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। और जो बच्चे इसमें कहते होंगे सर दिक्कत है तो उसका वीडियो आप लोग अपलोड क्यों नहीं करते, सबसे पहले मुझे ये बताओ। अगर आप अपनी नाम, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ का बस पॉजिटिव कुछ एडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, आपका कैप्शन कुछ और रहता है सर, आपका कंटेंट कुछ और रहता है, आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, कोई बात सुनने वाला नहीं रहता, वो वार्डन बोलता है जाके मैनेजमेंट से भेंट करो, मैनेजमेंट कहता है उससे भेंट करो, वो कहता है हम क्या करें इससे भेंट करो, अंतिम में घोर मट्ठा हो जाती है, अंतिम में फिर मैनेजमेंट कहता है अच्छा इसे हम देखेंगे, और कब तक देखा जाता है मुझे लगता है कि वो सातों जन्म तक नहीं देखा जाने वाला है। इसके आगे सर बात करते हैं, सबसे पहले तो जो बच्चे वैसे बच्चे जो इसके इनके बारे में जो सर को सौरभ सर हालांकि आते हैं आप लोग को, आप लोग का राय विचार लेने, तो मैं मानता हूँ कि जब भी कोई बड़ा आदमी आएगा, जब भी कोई बड़ा पोजीशन में बैठा हुआ, अभी मेरे सामने अगर मोदी जी चले हैं तो वो तो मैं भी यहाँ पे थरथराने लगूंगा, मैं भी वो जो पूछेंगे उसमें उनके हाँ में हाँ मिलाऊंगा, ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है ये सर। लेकिन बींग एन फौजी एंड बींग एन फौजी ऑफिसर यू विल हैव टू प्रिटेंड योर सेल्फ बी एन लाइक एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी सर, आपको वहाँ पे बताना होगा सही को सही और गलत को गलत बोलने का आपको औकात वहाँ पे रखना होगा सर, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू द सेम देन यू हैव नो ऑफिसर लाइक क्वालिटी, देन यू हैव नो पोटेंशियल टू बी द ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेज। और मैं बताता हूँ सर, एक मिनट रुको, थोड़ी समय लगेगी लेकिन मैं जरूर बताऊँगा आपको। जब वहाँ पे सर जाते हो आप,
मैं बच्चे को बोल रहा हूँ, जो बच्चे वहाँ पे जाके वहाँ पे सहम के वहाँ पे आराम से जैसा मिल रहा है वैसा वहाँ पे रह रहे हैं, मैं उनसे बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे जा रहे हो सर, आप अपने गार्जियन के पैसे वहाँ पे जा रहे हो, जो 50,000 रुपया वन टाइम पेमेंट करेंगे 45,000 रुपया वहाँ पे लगेगा आपको। ये लोग जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है इनका, कि पैसा एक बार में ग्रैब कर लो, हालांकि उसके बाद बच्चे को इसकी सच्चाई पता चली जाएगी तो लोग छोड़ देंगे, इसलिए 5,000 डिस्काउंट देकर उनसे फुल टाइम पेमेंट करवा लो। ये जो इनकी ये स्ट्रेटजी है सर, ये समझिए कि बिल्कुल एक बिजनेस बना दिया है इन लोगों ने इसको, और मैं अपने आधार पर, मैंने मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ और लगे, जो देख रहे हैं वीडियो अगले आदमी उनको लगे कि नहीं मुझे कल से ठीक है, तो भाई ठीक है मुझे कल से, वो आपकी सोच में है, मेरी नज़र में जो है वो मैं बता रहा हूँ। मैं इसे डिफेम के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसे कोई भी डिफेम और फेम के लिए नहीं समझे, किसी दूसरे कोचिंग का मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं बस ओनली मुझे कसी में मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं वही यहाँ पे आकर शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। जो बच्चे आप लगाते हो अपने गार्जियन का पैसा वहाँ पे, मान लो कि आप 50,000 रुपया वहाँ पे कर रहे हो, उसके बाद 7,500 का 6,500 का वहाँ पे आपको हॉस्टल फी महीना का जोड़ लो, 12 महीना आपको रहना है कम से कम एक साल फाउंडेशन वाले बच्चों को, कितना लाख रुपया वेस्ट कर रहे हो सर, और वहाँ पे जाने का आपको अगर एक भी फायदा वहाँ पे आपको नहीं मिले, एक भी फायदा नहीं मिले आपको, तो बताओ आपको कितनी दिक्कत होगी, घर से क्या उम्मीद लेके चले थे। और ये बात जो है सो मुझ जैसे और आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली और पुअर क्लास फैमिली के कैरेट और एक्सपीरियंस से अच्छा कोई और नहीं जानता होगा सर। जब घर से निकलोगे, मैं बताता हूँ जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही खुद आपके साथ हुआ होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। जब घर से आप निकले होगे अपने पीठ पे ट्विस्टर बैग रख के, दही चूड़ा खा के, बड़ों का पाँव छू के जब रास्ते में रहे होगे, तो क्या सोचे होगे आप? ये नहीं सोचे होगे कि मैं जाऊँगा वहाँ पे प्रयागराज में MKC में मस्त कोचिंग है, पढ़ाई करूँगा, एकदम जबरदस्त पढ़ाई करूँगा, वहाँ पे बड़ी स्टडी बनाऊँगा, वहाँ पे पूरा एकदम जो फौजी का ऑफिसर लाइक क्वालिटी होता है वैसा माहौल मिलेगा, वहाँ पे तैयारी जम के करूँगा, फोड़ के आऊँगा इंडिया, और तब गाँव में आऊँगा तो लोग कहेंगे देखो ये फलाना का लड़का गया था वहाँ पे तो इंडिया तैयारी करके बाहर से आ रहा है। यही सोच के क्या होगा ना सर? आप क्या मिला आपको? कुछ ऐसा मिला आपको? कुछ नहीं मिला सर, ना ही आपका एंट्री निकला होगा। और जिन्होंने निकाला, आई एम श्योर एंड सर्टेन दैट बहुत ही वो क्या कहते हैं उसे, लकी बाई नेचर होंगे वहाँ पे, क्योंकि इतने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे सर। आप देखोगे तो उनका कितना बैच चलता है वहाँ पे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम के 7 बजे तक बैच उनके चलते रहते हैं, कितने उनके क्लासरूम है, और इतने से बस इतना कम सिलेक्शन मिल रहा है, वो भी बस रिटर्न का क्वालिफाई करना, SSC को दूर की बात है सर। और इसमें जो है सो वो लोग इतना इतने उसमें परसेंटेज उसमें डिक्रीज है कि उसमें मैं क्या बताऊँ आपको, आपको कुछ वहाँ पे नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपको कुछ मिला भी होगा तो सर इट इज़ योर लकी, और आप लकी है वहाँ पे, क्योंकि देखो सर मेहनत आपको एक्चुअली में खुद करना है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पे, उससे पहले मैं देख लूँ कि कुछ मेरे इसके बीच में कुछ छूटा तो नहीं, क्योंकि अगर बीच में छूटा होगा तो फिर उसे बाद में बताने के लिए थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है उसे। और जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी खास या हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ कि कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। आपको जो आपको लगता है कि नहीं मेजर कसी सबसे नंबर वन डिफेंस इंस्टीट्यूट है, आप कमेंट करें। आपके कमेंट को मैं उन लोगों की तरह डिलीट नहीं करूँगा, ना ही उन लोगों के लिए स्पैम मारूंगा, ना ही उन लोगों के लिए आपको ब्लॉक मारूंगा। आपके हर एक कमेंट को मैं खुद पढ़ूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, और मैं आज आप लोग से वादा करता हूँ आप लोग के हर एक कमेंट का आंसर मिलेगा, आप लोग को रिप्लाई मिलेगा। खैर बात करते हूँ मैं अपना, मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहाँ पे गया मेजर कसी में, मतलब कि समझो कि मैंने इनका एडवर्टाइजमेंट देखा, मैं सर्च कर और वो बच्चा यही करते हैं, गूगल पे सर्च मारेंगे तो यूट्यूब पे सर्च मारेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। और मेजर कसी क्या करता है भाई साहब कि ये यूट्यूब पे अपने ट्रेंड चलाए हुए हैं, गूगल पे ऐड चलाए हुए हैं, यूट्यूब पे ऐड चलाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे ऐड चलाए हुए हैं, क्या मेजर कसी द नंबर वन ब्रांड बना दिया है इसको, और इन्होंने एक स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया है, क्या दिखाओ और बिकाओ, डेट इज जो दिखता है वही बिकता है, और मेजर कसी वही करता है। मेजर कसी क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, दिखाते कैसे हैं लोग देखिए, YouTube हो गया, Google हो गया, एड्स पे चलाएंगे, मतलब एडवर्टाइजमेंट। आप लोग बहुत सारे लोग आप लोग से जानते होंगे एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं लोग पैसा देके, और इससे क्या होगा आप सर्च मारोगे ना उस पर ऐड आएगा, उसमें सबसे टॉप पे इनका नाम दिखाएगा, और इनका नाम दिखाता है सबसे ऊपर में, तो बच्चे सबसे पहले उसी पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने का तो अगर जैसे ही आपने वहाँ पे अपना नेम फोन नंबर सबमिट किया उसका दूसरा अपनी कॉल आ जाएगा कि आपको यहाँ पे आपके बारे में, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सर, वहाँ पे जो 2,000 रुपये डिस्काउंट थी मैं पिछले साल गया था वो आज तक मतलब कि अभी कुछ दिन पहले तक 2,000 रुपये डिस्काउंट था, और इनके हर एक सप्ताह हर एक मंडे या फ्राइडे को इनका हर एक न्यू बैच बनते रहता है। और हालांकि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है सर आपको, ये लोग बार्गनिंग करते हैं ये लोग। जब मैं भी वहाँ पे गया था ना, मैं आपको शुरू से बताता हूँ सर, मैं भी इनका एडवर्टाइजमेंट देखा था, मैं इसमें फ़ोन चला रहा था इंडिया की तैयारी करने के लिए, देखा कि भाई फर्स्ट वेव कोरोना का ख़त्म हुआ था, मैं क्लास 12 में था, गया कि फाउंडेशन में चलता हूँ, देखा तो मेरे कसी का नाम आया, मैं कैसे ठगाया गया मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आराम से सोचिएगा। मैं इनका एडवर्टाइजमेंट देखा, एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने उस पर टैप मारा अपना, उनसे बात किया, और मैं उस समय थोड़ा नासमझ था, मैं मानता हूँ कि मैं उनके बहकावे में आ गया, मैंने घर पर कहा कि नहीं मुझे जाना है तो मुझे वहीं पर जाना है मेरे कसी, मैंने तो मैं नहीं पढ़ूंगा, इतना मैंने जिद कर ली थी।
अब इतना जिद कर ली तो गार्जियन भी क्या कहेगा कि चलो भाई वहाँ पे ले चलता हूँ। अब मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे माना, देखो मैं भी बैग पे अपने पीठ पे टूरिस्टर बैग रखा, अपने हाथ में एक बैग लिया जो चक्का वाला बैग होता है उसको क्या कहते हैं वो वाला बैग लिया, उसके बाद दही खाया मैंने भी जताया बनाने के लिए, बड़ों का आशीर्वाद लिया, गया वहाँ पे पटना पे चढ़ा जंक्शन पे और वहाँ से क्या किया मैं ट्रेन पकड़ लिया सीधे प्रयागराज के लिए। रात में प्रयागराज जंक्शन पे रुका सर, कल सुबह के संगम में नहा वहा के गया प्रयागराज, और भाई साहब जैसे ही मैं मेरे कुर्सी के अंदर एंट्री किया मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर, आप ट्रस्ट मी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उनका इंटीरियर इतना ज़बरदस्त है कोई भी उनका मन मोह लेकर, अगर कोई बच्चा वहाँ पे जाके अगर होता है ना कि अगर आप जा रहे हो फ़ोन खरीदने अगर कोई लिए हुए है ओप्पो का स्पॉन्सर तो ओप्पो का ही आपको बड़ाई करेगा कि आप सर ओप्पो का ही फोर्स करेगा कि ओप्पो का ही फ़ोन ले लो आप, वैसे ही आपको वहाँ पे फोर्स भी नहीं करेंगे ये लोग, और आपको खुद माइंड मोटिवेट हो जाएगा, कितना भी सोचकर कि नहीं मुझे नहीं जाना है वहीं घर पर ही रहूँगा मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पर, लेकिन माइंड मोटिवेट हो जाएगा सर आपका ट्रस्ट, वही मेरे साथ हुआ, मेरा माइंड मोटिवेट हो गया वहाँ पे। इंटीरियर उनका देखा ज़बरदस्त, वो पूरा एकदम बैनर लगा हुआ एकदम इंडियन आर्मी का एयरफोर्स का नेवी का पूरा फुल्ली ऐसी कैंपस टाइल्स डाउट काउंटर नीचे में, मतलब इतने मस्त उनका इंटीरियर लगा हुआ था। सामने ऊपर में गया रिसेप्शनिस्ट पे तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कोऑर्डिनेटर पाठक सर इतने मन मोह लेने वाले बात किए कि माई गार्जियन वॉज फुल्ली इम्प्रेस्ड, आई वॉज ऑल्सो 110% इम्प्रेस्ड दैट दिस इज द नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट, और ये मुझे यहाँ से फौजी बना के ही निकलेंगे और मुझे फौजी बनाने में पूरा मेहनत करेंगे अगर मैं अपना 110% देता हूँ तो, अगर मैं अपना 110% देता हूँ तो। उसके बाद क्या हुई सर, मैं वहाँ पे पैसा पेमेंट हो गया, हालांकि वन टाइम पेमेंट हुआ, उन्होंने मुझे कहा अब उनका क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है कि क्या उनका मोनोपोली है मुझे नहीं पता, कहा कि उस समय 48,000 समथिंग था तो उन्होंने कहा कि आप 2,000 रुपया वन टाइम पे डिस्काउंट हो जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, गार्जियन ने कहा ठीक है 2,000 रुपया कम से कम तो बचेगा सही, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास में कम से कम 100 रुपये यहाँ पे जाते हैं लोग धनिया खरीदने जो सब्जी खरीदने जाते हैं और धनिया फ्री में मांगते हैं मिर्ची फ्री में मांगते हैं, तो यहाँ तो भाई 2,000 रुपये की बात है यहाँ पे, जब पढ़ना वहीं पे, जब मैंने जिद पकड़ ली थी तो पढ़ना तो वहीं पे है सर, अच्छा पढ़ना वहीं पे है तो क्यों ना 2,000 रुपये बचा लिया जाए, वन टाइम पेमेंट हमने मार दिया। कुछ उसमें अकल नहीं थी कि कैसा है इंस्टीट्यूट कैसा कुछ है, कुछ उसमें बुद्धि नहीं थी, पहला बार बाहर जा रहा था ये ना समझ हो गई, लेकिन अब ठेस लगी है तो अब अकील खुल गई है बुद्धि खुल गई है, तो वहाँ पे एडमिशन हो गया। उसके बाद मैं गया हॉस्टल में गए तो वहाँ पे भैया लोग थे कुछ, उनसे बात की कि भैया यहाँ पे एडमिशन ले लिया, तब उन्होंने कहा कि क्यों यहाँ पे एडमिशन लिया, मैंने सोचा कि क्या इसे क्यों कह रहा है भाई, ये लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ये लोग यहाँ पे इतने अच्छा, इसका यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है 1,00,000 सब्सक्राइबर 8,00,000 सब्सक्राइबर है समथिंग अराउंड, और इतने अच्छे पढ़ाते हैं ये लोग, इतने इनका ब्रांड है गूगल पे, इनका नेम नंबर वन डिफेंस, तो मैंने सोचा कि नहीं लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे बरगरा रहे हैं ये लोग कि मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं ये लोग, और ये लोग अच्छे स्वभाव के नहीं है मुझे ऐसा लगा शुरू में, और मैं जो सच्चाई वो बता रहा हूँ आप लोगों के सामने। उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं कुछ दिन वहाँ पे गया, मैं समथिंग अराउंड मार्च में होली से 10-12 दिन पहले गया था सर वहाँ पे, और जैसे ही होली मतलब कि होली की छुट्टी के बाद मैं वहाँ पे गया तो मुझे कुछ वहाँ के बारे में समझ में आने लगा था कि नहीं इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ तो धोखा दे रही है। उसके बाद हालांकि लॉकडाउन भी लग गई थी तो मैंने उन लोगों से पूछा भैया लोग से भैया बताइए अब क्या करूँ मैं, पैसा तो मैं लग ही गया यहाँ पे उतना अच्छा, यहाँ पे कुछ टीचर लोग वहाँ पे थे, हालांकि शुरू में टीचर लोग वहाँ पे सिलेबस सबसे मेन का प्रॉब्लम है सिलेबस, और सिलेबस को लेके मुझे टीचर से और इंस्टीट्यूट से बहुत ही दिक्कत रहती है, इतना फास्ट आप क्लास 11 का साउंड कैपिटेशन ले लो, इतना फास्ट लोग मतलब कि एक दिन में एक चैप्टर दो तीन दिन क्लास ले एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर दे रहे हैं, बच्चा क्या समझे क्या ना समझे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनसे बोला कि भैया आप ही कुछ गाइड करो मैं तो यहाँ पे फंस गया हूँ आके, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक काम करो, एक यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूँ, 2-3 यूट्यूब चैनल का नाम बताया, एक इंग्लिश के लिए ग्लोबल डिफेंस एकेडमी और मैथ के लिए आर एस सर या अर्पित चौधरी सर या मैथ जुगाड़ से सर, उसके बाद जीएस के लिए खान सर, और तो ये सब कुछ गाइडलाइन उन्होंने दी, तो मैंने कहा कि नहीं सही है मैं इसी पे फॉलो करूँगा। और उसके बाद हालांकि लॉकडाउन लग गया जो कि सबसे मतलब ख़राब हुआ, हालांकि लॉकडाउन गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एडिक्ट ऑन द ऑनलाइन एजुकेशन, आज मैं घर जो घर से बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ ये बस उन लोगों की ही समझाई हुई बुद्धि का जो यहाँ पे स्रोत है। और उसके बाद जो लॉकडाउन लगा ये पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर था मेरे लिए कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में एडिक्ट हो गया, लेकिन सर उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं उनका ऑनलाइन क्लास करने लगा, क्लास लॉकडाउन लग गई मैं घर पे आ गया, सब अपने घर पे चले हैं। उसके बाद फिर से जब वहाँ पे गए हम लोग तो मुझे पता चला कि अब कोई जो पहले वाले भैया थे वो लोग कोई आने वाले नहीं है, वो लोग ऑलरेडी लेफ्ट कर चुके हैं कोचिंग को, और होली के बाद जो उन्होंने गए कोरोना के बाद तो वो लोग वापस लौट के नहीं आएंगे। तो उस समय मेरा दिल टूट सा गया क्योंकि ट्रस्ट में अगर इतने मस्त थे वो लोग कि उन लोगों के पास सही को सही और गलत को गलत करने की औकात थी, और उसी से मैंने सीखा कि नहीं
यहाँ पे मेरा पैसा लगा है, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, तो जो सही होगा सही और गलत को गलत करने का मैं भी औकात रखूंगा, जहाँ पे मुझे दिक्कत होगी मैं यहाँ पे खुल के आवाज उठाऊंगा। लेकिन करते भी क्या सर, अंतिम में 40-50 बच्चे में से अगर 4-5 बच्चा बोल रहा है तो कौन किसका सुनने वाला है, किसका पल्ला भारी है। हम लोग तो वहीं से दबे हुए थे, अकेला चना कितना भार फोड़ेगा, वही वाला बात थी वहाँ पे। और मेन दिक्कत ये थी ना कि ये लोग जो भैया लोग थे वो इतना मुझे मोटिवेट, और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे अगर अभी तक रहते तो मैं ट्रस्ट में मैं पहला अटेम्प्ट नहीं तो दूसरा अटेम्प्ट में तो निश्चित ही एनडीए का एग्जाम निकाल देता था। एमकेसी मुझे कुछ करते या नहीं करता, ये लोग मुझे इतना वहाँ पे गाइडलाइंस दे देते कि मैं एनडीए का एग्जाम पहला नहीं तो दूसरा अटेम्प्ट में निकाल लेता, निकाल चुका होता, अभी होता ट्रेनिंग में खतरवासला में भी होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये एक टर्निंग पॉइंट आई और यहाँ मेरा दिल कहीं कहीं दुखा जरूर। उसके बाद मैं वहाँ पे गया तो कुछ वहाँ पे स्थिति ठीक ठीक नहीं थी सेकेंड लॉकडाउन के बाद, मतलब कि दूसरा जो लॉकडाउन खुला था अनलॉक हुआ उसके बाद कुछ भी स्थिति वहाँ पे ठीक नहीं थी। हॉस्टल वैसे ही, खाना वैसा ही मिल रहा है, मैनेजमेंट पहले जैसा वैसे ही है, पैसा लेने के लिए सब लाइन लगा देंगे गेट के सामने, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, कोई वहाँ पे प्रॉपर सुनने वाला नहीं है, कोई वहाँ पे प्रॉपर देखने वाला नहीं है। वार्डिंग मैंने जैसा बोला ना, सब कहेंगे उससे पूछो उससे पूछो उससे पूछो, अंतिम में जब सब जगह से हार के आप थोड़ा इरिटेट हो जाओगे तब वो मैनेजमेंट कहेगा कि ठीक है मैं इस पर देखता हूँ, और वो कुछ होने वाला सर है नहीं, ट्रस्ट मी। फाइनली आपको वो साल लग जाएगा, आपका कोचिंग भी जो है सो खत्म हो जाएगा, आप अपने घर की तरफ चल जाओगे, फिर भी कुछ सुधरने वाला नहीं है। और मैं आज आपको बोल दूँ सर साहब साहब कि जो भी बच्चे वहाँ से ऐसा एक्सपीरियंस करके आए हैं वो वीडियो बनाए और वीडियो बना बना के डाले यूट्यूब पे, एंड आई विल शेयर आपको का वीडियो, मैं शेयर करूँगा, मैं आपके लिंक में डालूंगा, आपका वीडियो आप मेरा वीडियो आप शेयर करें, ऐसे ही हो कि सर एक नेटवर्क तो बने और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जितनों को दिक्कत है वो सब एक रिव्यू बना बना के हमें भेजे अपना वीडियो, नहीं तो खुद डाले यूट्यूब पे, जिससे कि उन लोगों की असलियत पता चले बच्चों के सामने। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, खुद अपने चैनल पे डाल देते हैं रिव्यू ऑफ मेजर कर्सी स्टूडेंट, जैसे कि मेजर कर्सी का चैनल हो गया, वो खुद अपने चैनल पे डाल देंगे मेजर कर्सी स्टूडेंट रिव्यू, तो भाई वो आप मेजर कर्सी का बच्चा है तो उसका बुराई ही नहीं करेगा, उसका बुराई थोड़ी नहीं करेगा, ये सब कुछ समझने वाली बात है सर। तो कुछ वहाँ पर ठीक नहीं था, हालांकि मुझे एक बात का फायदा मिला कि वहाँ पर जो मुझे टीचर मिले वो टीचर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त टीचर मिले, और कहते हैं ना द बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक, तो टीचर को मैंने बेस्ट वहाँ पे समझा ही नहीं, मैंने टीचर को अपना भाई जैसा बना लिया, मैंने अपने टीचर को अपने दोस्त जैसा बना लिया, और तब ये समझ के मैंने उनसे पढ़ाई करना शुरू कर दी। और उसके बाद तो मेरा मतलब समझो कि, और वहाँ पे एक फिजिक्स के सर थे मधुर सर, और एक फिजिक्स की मैम थी मैथ के मैम थे, और मतलब समझो मुझे मेरे बैच में जितने भी टीचर मिले औसम टीचर मिले और इतने ज़बरदस्त टीचर मिले कि ऐसा मतलब कि टीचर अभी तक मैंने, और वैसा जो भैया मुझे मिले वैसा भैया और वैसा संगति, क्योंकि कहते हैं संगति से गुण आत है और संगति से गुण जात, और वैसे गुरु के लिए हमेशा मेरे लिए रिस्पेक्ट है। जो एमकेसी के खिलाफ है मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन जो एमकेसी के टीचर के खिलाफ है मैं उनके खिलाफ हमेशा था हूँ और रहूँगा, क्योंकि टीचर की कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैनेजमेंट कहेगा, मालिक कहेगा भाई तुमको खेत जोतना है, ये पीछे का जो पत्ता आप देख रहे हैं, मालिक कहेगा इस पत्ता को तोड़ना है तभी तो इस पत्ता को मैं तोड़ दूंगा, अगर मालिक कहेगा कि इसे नहीं तोड़ना है इसमें पानी पटाना है तो मैं इसमें पानी नहीं तो पटाऊंगा सर, तो इसमें उनकी कोई दिक्कत नहीं सर। मैं यहाँ पे इनके से खिलाफ हूँ, उनके मैनेजमेंट के खिलाफ हूँ, कोई हमें प्रॉपर सुनने वाला नहीं था और कोई वहाँ पे प्रॉपर सुनवाई करने वाला था ही नहीं। बात करते हैं आगे सर, आप लोग को कैसे अट्रैक्शन होता है वहाँ पे मेजर कर्सी, आप लोग को तो बोलते हैं, आप लोग भी बोलिए कि सर मेजर कर्सी अच्छा है, तो अच्छा कैसे, देखिए आप मेजर कर्सी का हर एक वीडियो यूट्यूब से उठा के देख लीजिए, उनका मैक्सिमम वीडियो MP, UP, बिहार और एकाध दो स्टेट मुश्किल से टच करता होगा, जो सब सब बोलते होंगे तो बस MP, बिहार, UP और एकाध दो स्टेट और के बारे में वो वीडियो बनाते होंगे कि हाँ यहाँ के बच्चे का एग्जाम कंप्लीट हो गया यहाँ पे चले, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ का बच्चा एकदम मेहनती होता है, लगन होता है, जुझारू होता है। और लेकिन सर आप ये बात नहीं जानते कि यहाँ के बच्चा जो जितना जुझारू होता है उतना मेहनती होता है और उतना ही गरीबी रेखा और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो पैसा के लिए सर आप 7500 रुपया महीना, जैसा कि मेरा हॉस्टल का चार्ज था 3 सीटर का, तो 7500 रुपया आपने लिया, 50000 रुपया आप ले रहे हैं, वो इसका चार्ज वन टाइम पेमेंट पे 5000 रुपया डिस्काउंट, 45000 रुपया आप ले रहे हो, तो 1,00,000 रुपया इतना जो डिस्काउंट कर रहा हूँ, अच्छा तो मैं घर पे पढ़ता, जैसा कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे घर पे बैठे बैठे। तो मुझे आप एक बात बताओ कि सर आप इतने जो मार्केटिंग में पैसा खर्चा करते हो उतना पे अगर आप कम से कम 10 बच्चे को एकदम बेस्ट गाइडलाइन देकर आप एनडीए का एग्जाम निकलवा देते सर तो आपका नाम ऐसे ही हो जाता। तो डोंट ट्राई टू फोकस ऑन द एडवर्टाइजमेंट, ट्राई टू फोकस ऑन द एजुकेशन, ट्राई टू फोकस ऑन द क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी आपका बढ़ेगा तो क्वांटिटी आपका अपने आप बढ़ जाएगा सर। और बिजनेस स्ट्रेटजी आप सर समझते हो, आप तो एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हो, बिजनेस डिफेंस एक्सपर्ट भी हो, मोटिवेटर भी हो, तो सर मैं आपसे, आप भी मेरे गुरु हो, क्योंकि सर आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। गुरु वो नहीं जो मुझे पढ़ाता है, गुरु वो नहीं जो हमें पढ़ाता है, गुरु वो भी है जो आपको सही मार्गदर्शन दिखाता है। आई फील प्राउड टू से दैट सौरभ सर इज माई गुरु, आप मेरे गुरु हो सर, इसलिए नहीं क्योंकि आपने मुझे कुछ पढ़ाया बल्कि इसलिए क्योंकि आपने मुझे, जो मैं भटक गया था आपके कोचिंग की ओर, तो आपने मुझे पत्थर मार के बताया कि ऐसे भटकना भटकना मत कहीं कोचिंग किसी कोचिंग की ओर, पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना, नहीं तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, और ये सोचने के लिए मुझे आपने सर मजबूर किया, इसलिए आप भी मेरे गुरु हो, आपके लिए भी मुझे रिस्पेक्ट है। खैर बात करते हैं अब इनके कि बच्चे यहाँ पे इनके तरफ आते कैसे हैं, बच्चे इनके तरफ मेजर कर्सी की तरफ अट्रैक्ट कैसे होते हैं, तो बताता हूँ सर।
आप देखना कि इनका गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया पे इनके एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। बच्चा जाए तो किधर जाए, जो चाहे मैं जैसा ना समझ बच्चा था शुरू शुरू में, वो लोग क्या करेगा, इनको हायर कर लेगा, इनको खरीद लेगा, इनको पे कर देगा पेमेंट 525 रुपये, रजिस्ट्रेशन कर देगा। मैं आज ही बात किया था मेरे किसी के कॉल अटेंडेंट से, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अच्छा मैं अपने घर में बात करता हूँ तो आपको बताऊँगा, तो वो बोल रहे हैं सर जल्दी मेरे पास पे कहता कॉल रिकॉर्डिंग है कि अच्छा सर आप पहले 525 रुपये कम से कम रजिस्ट्रेशन फी आप पे कर दो, उसके बाद आप यहाँ पे 7 दिन के अंदर में चले जाओ, न्यू बैच शुरू होने वाला। तो मन मोह जो नया बच्चा रहेगा, तो एकदम नया बच्चा एकदम उसके अंदर जोश आता है ना कि मुझे तो वो एक उड़ी निकली थी, उसने सारे बच्चों को जोश आ गया था कि मुझे भी फर्स्ट तैयारी करना है, जोश ठंडा गया, तो वो जो जोश था उसने देखने के बाद आपको ऐसा मोटिवेट कर देंगे कि आपका जोश तो 10-10x ऊपर चला जाएगा आपका जोश। तो जोश में भाई साहब आपको होश नहीं खोना है, एंड यू विल हैव टू प्रिटेंड नंबर वन कैडेट, आपको नंबर वन कैडेट का प्रिटेंड करना है। आपको प्रिटेंड मतलब दिखावा नहीं, आपको सही सच में दिखावा करना है, टू बी द रियलिस्टिक वन, टू बी द रियल वन। और आपको अगर जो भी बच्चे वहाँ पे अभी तत्काल में हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप जो है सो अगर अभी से भी कुछ अगर नहीं बोले तो देन इट विल बी योर मिस्टेक, और अंतिम में आपको ही पछताना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, खैर सर बात छोड़िए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि बच्चे कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा कि तुम कंप्लेन क्यों नहीं करते, तो बच्चे बोलते हैं कि सौरभ सर हमारी सौरभ सर तक कोई हमारी आवाज़ नहीं पहुँचाता है। तो मैं आपको बोल दूँ कि जब बच्चे को ये बात पता है सर, तो सौरभ सर आपको तो भी पता होगा ये बात कि अगर बच्चे की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँचा जाती है तो कौन नहीं पहुँचने देता है। उससे आप क्लास लीजिए, आप क्लास में भाई कहता घूम घूम के सर आप वीडियो नहीं पोस्ट करें तो आप यूट्यूब पे पोस्ट मत कीजिए, बट यू विल हैव टू पोस्ट इट पब्लिकली, और इफ यू आर नॉट पोस्टिंग इट पब्लिकली देन यू विल हैव टू कीप इट इन प्राइवेसी, बट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट। उसके बाद अगर मेरे कंक्लूजन में अगर आप पूछे तो मैं यही कहूँगा कि मेरे कसी मत जाओ वहाँ पे, जाना मतलब कि पैसा भजाना, वहाँ पे जाना मतलब कि पैसा वहाँ पे डुबाना, और हालांकि अगर इस बार अगर हालत सुधरे तो वहाँ पे जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन जहाँ भी जाना है सोच समझ के जाओ। और मेरे अंदर से तो सिर्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी, और खुद से पढ़ो, घर पे पढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी का सपना पूरा करो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।